एलिमेंट्स क्यों बोला? हमारे पास एक कंसेप्ट होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब फॉर्मेशन करता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए सीएफटी यूज में लिया जाता है। उसमें डी ऑर्बिटल्स, हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिटिंग शो करते हैं। स्प्लिटिंग से अब आप फैमिलियर हैं क्योंकि स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिवाइड होना। तो स्प्लिटिंग अगर हमारे पास होती है तो उसमें ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफर कर जाता है ओरिएंटेशन के बेसिस पे। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर 3 ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। सो अगर आपके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में सारे ऑर्बिटल्स फिल होंगे लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8, 9 और 10। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है, इसको डी डी ट्रांजिशन बोला जाता है। ओके, तो जो एलिमेंट ये ट्रांजिशन शो करते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि D1 से लेकर D9 तक जो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, मतलब जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, वो ये ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, बट D10 वाला ये ट्रांजिशन शो नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि D10 में क्या हुआ, ना ऊपर कोई खाली है ना नीचे कोई खाली है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। सो डीडी ट्रांजिशन वहां पे नहीं होगा। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें हमारे पास डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है क्योंकि सभी में D10 कॉन्फ़िगरेशन है सभी के अंदर, और यही रीजन है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं किया जाता। ओके, क्लियर है बेटा ये? यस सर। सर इट इज D1 to D9। यस सर, बट सर इन द डेफिनेशन से यू हैव रिटन D0 to D9। एक्चुअली D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। यस सर, तो ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। आज लास्ट लेक्चर में कुछ न्यू स्टूडेंट थे क्या आपके पास? यस सर, एंड अदर्स, और 7 पीरियड। ओके, नेक्स्ट थिंग, ग्रुप्स का अगर हम बात करें तो ग्रुप्स को हम 18 ग्रुप्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। SPDF ब्लॉक्स हमारे पास हैं, रेस्पेक्टिव ग्रुप्स और पीरियड्स आपको बताए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, पीरियड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट को वेरी शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड, और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने फर्दर आगे भी पीरियड्स को नेम दिए हैं, ये हम लोगों ने लिख लिया था। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। 3 to 11 जो हमारे पास ग्रुप एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्यों उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जब एलिमेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी से डी में ट्रांजिट करता है तो ऐसे एलिमेंट जिनमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कंसेप्ट हमारे पास CFT में 12th क्लास में इनऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फिर से आएगा। वहां हम इसको और एक्सप्लेन करके, वहां और लार्ज हम इसको पढ़ेंगे, वहां अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके, अभी तो ब्रीफ कर दिया है मैंने आपको, ठीक है, बाद में फिर वहां पर हम लोग उसको डीपली पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सो लॉग एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इसी के साथ साथ हम उन्हें रेयर अर्थ्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ अर्थ्स का मतलब ऑक्साइड्स है, तो रेयर ऑक्साइड्स भी उन्हें कहा जाता है। रेयर अर्थ्स एफलॉग एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ्स। मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास लेंथेनाइट और एक्टोनाइट दो सीरीज होती हैं। एक्टिनोइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव है, ओके। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर मैनमेड एंड obtained from uranium, so called transuranic elements. So uranium 92 है हमारे पास, उसके बाद के जितने भी elements हैं वो सब transuranic elements कहे जाते हैं, okay? सभी elements को हम क्या बोलते हैं? transuranic एलिमेंट्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड्स में ओनली प्रोमेथियम 63 ये हमारे पास मैनमेड लेंथेनॉइड है, ओनली मैनमेड लेंथेनॉइड, सिंगल लेंथेनॉइड है जो हमारे पास मैनमेड है। इसके अलावा बाकी सब लेंथेनॉइड्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? नेचुरल है, ओके। नेक्स्ट थिंग लेड 82 हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। इस 82 के बाद में 83rd एलिमेंट से लेकर जितने भी हैं वो सब रेडियो एक्टिव, इसीलिए 82 जो हमारे पास है लेड वो हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उन्हें अनस्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव अनस्टेबल न्यूक्लियस, ओके। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियस रखते हैं, तो लेड हमारे पास हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, उसके बाद के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Atomic number for promethium is 61, sir. Promethium 61. Okay. Yes, sir. Okay. So, ये कुछ हमारे पास जो features हैं modern periodic table के, वो हमारे पास हैं। इसके अलावा अगर limitations में आप देखना चाहो, तो hydrogen का जो location है, वो आज भी हमारे पास सिरदर्द बना हुआ है कि हाइड्रोजन को आप रखोगे कहाँ पे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया है, बट फिर भी अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि आप इसको यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से बिल्कुल भी सिमिलर है, तो आप इसको अलग से पोजिशन भी देते हैं। कुछ पीरियोडिक टेबल्स आपको मिलेंगी जिनमें हाइड्रोजन को यहाँ पे ना रख के हाइड्रोजन को यहाँ पे ना रख के, ये इस जगह पे ना रख के यहाँ अलग से हाइड्रोजन को लिखा हुआ होता है, ऐसा तो ऐसा भी हमारे पास पॉसिबल है, ओके। कई सारे टेबल्स आपको मिलते हैं, तो ये अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन हैं तो इनके ऊपर अभी भी डिबेट चल ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें अगर हम बात करें तो ये मार्क आपको दिख रहा होगा, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है।
इनके इस तरफ yes, इस तरफ वाले सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, इस तरफ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करता है। जो एलिमेंट्स इसके ऊपर आए हुए हैं, इस बॉक्स के ऊपर आए हुए हैं, वो हमारे पास मेटलॉइड्स कहे जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है, मतलब इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल को क्या कर रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। क्लियर पॉइंट? यस सर। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारे पास 82 एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं, और बाकी जब जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं रेस्ट, वो मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स में काउंट होंगे। ओके, नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ने वाले हैं। आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को एक थोड़ा सा इमेज अपने माइंड में बना लीजिए इसका, क्योंकि अब हम पूरे पीरियोडिक टेबल को एक साथ लेके चलेंगे और अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जब मैं कभी बोलूं लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट का मतलब है हम एक ग्रुप एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए कि आप सोडियम थर्ड पीरियड की बात करें, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और ऑर्गन, तो लेफ्ट टू राइट थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब है सोडियम से लेके ऑर्गन तक आप बात कर रहे हैं। ओके, सेम इसी तरीके से फोर्थ पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ओके, और जब टॉप टू बॉटम बोला जाए तो टॉप टू बॉटम का मतलब होगा आपके पास ग्रुप। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हैलोजन में आपने बात की 17th ग्रुप में, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एनसीडीन के बारे में बात की जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक दोनों पॉइंट्स टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का मतलब समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं, देखिए जो हमारे पास 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, 100 के बाद के एलिमेंट्स का जो नेम है वो अलग तरीके से रखा जाता है। उनके लिए ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स तो जिन साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया है उन के बेसिस पे इनका नेम दे दिया जाता है। बट अगर यहाँ पर बात करें तो एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा कंट्रीज ने डिस्कवर किया है, और एक से ज्यादा एलिमेंट्स ने डिस्कवर करने के साथ साथ, ठीक है, अब उनके बीच में फिर झगड़ा है, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं इसको तो हम अपने अकॉर्डिंग नेम देंगे, और दूसरे कहेंगे कि नहीं इसको हम अपने अकॉर्डिंग नाम देंगे। तो ये दिक्कत ना हो, और जब तक कि उस एलिमेंट का सिंबल और नेम फाइनल नहीं होता, तब तक उस एलिमेंट के लिए IUPAC ने कुछ स्पेसिफिक नेम लिखने का तरीका दिया हुआ है। ओके, और वो जो मेथड है वो हमारे पास है, जो हैवी एलिमेंट्स बोला जाता है इनको, तो हैवी एलिमेंट्स के नेम लिखने का जो तरीका है वो हम लोग बात करते हैं। तो देखो 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नेम ऑफ 100 प्लस एलिमेंट्स, प्लस एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। ओके, हम इन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो आप जैसे यहां पर बात करें 101, तो 1 को बोला जाता है अन, 0 को बोला जाता है निल। ओके, सो यहां पे नेम इसका लिखने का तरीका आपके पास क्या होगा, पहले तो आपको फर्स्ट नंबर को लिखना है, फिर सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को, ये 3 नंबर आपके पास यहाँ पर है। तो तीनों डिजिट को शो करने के लिए पहला डिजिट अन, फिर उसके बाद में 0 के लिए निल,
फिर थर्ड डिजिट हमारे पास वापस से वन है, तो अन, और लास्ट में आपको एंड करना है आई यू एम से। ओके, तो इसका नेम 101 का नेम क्या हो गया, अन निल अनियम। पॉइंट समझ में आ गया नेम लिखने का तरीका? यस सर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अब जीरो के लिए निल होता है, वन के लिए अन होता है, तो बाकी जो रेस्ट सिंबल्स हैं, बाकी जो हमारे पास रेस्ट नंबर्स हैं, उनके लिए क्या क्या होगा उसके लिए हम लोग एक टेबल लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, जीरो के लिए अन निल, वन के लिए अन, मैं कलर चेंज करूं या आप लोगों को ये क्लियर दिखाई देता है रेड वाला? क्लियर, यस सर। टू के लिए बाय, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पैंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट और हेप्ट, एट के लिए ऑक्टियम, नाइन एन, ये यूज में लिया जाता है इनके। ठीक है, तो अब आपको जैसे कोई और नेम लिखना है, 102 आपको लिखना है, तो आपके पास नेम क्या होगा, फर्स्ट डिजिट के लिए अन, सेकंड निल, थर्ड बाय, और लास्ट में क्या लगाना है, आई यू एम आपको पुट कर देना है। अब इसमें आपके पास आई दो बार आया होगा, तो आप ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग लिखते हुए दो बार लिखेंगे, नहीं, आपको एक बार ही लिखना है। तो अन निल बायो, ये आपके पास नेम होगा। ठीक है, यस सर। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन अगर आपको देता हूं, सो वन टू थ्री, इसका नेम लिख के बताइए। राइट नेम, हो गया? Yes, sir. Okay, क्या नेम बना, चेक करते हैं, अन बाय ट्रायम बेटर। ओके, सही है देवांश, ध्रुव आपका भी सही है बेटा, बाकी लोग चलिए इसको ट्राई कीजिए। अगर जैसे 27252 अगर कभी एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो क्या करोगे? सर अगर कोई एलिमेंट का सर टॉपिक नंबर 111 है तो सर कैसे करेंगे? तो आप सोचें कैसे लिखेंगे, नेम लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको। सर सबकी वैल्यू तो अन ही होगी फिर तो। हाँ,
पॉसिबल है? ओके सर। ओके 252 का नेम हो गया बाय पेंट बाय एम, वेरी गुड। 111 का नेम अगर लिखते हैं हम तो अन अन अनियम, ये नेम हो जाएगा बाय पेंट बाय एम। आदित्य बेटा आपकी साइड से भी आंसर आना चाहिए, आप भी क्लास में ही हैं। ये yes, समझ में आया ना कंसेप्ट आपको? यस सर। ओके, तो जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप क्या करें, आंसर टिक करें, आंसर बताएं बेटा। ठीक है बेटा, कर पाओगे वैसे? यस सर। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो ये तो नेम हमारे पास हो गए एलिमेंट्स के, नेम लिखने का तरीका भी हो गया। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है जिसके ऊपर से हमारे पास जेई और मेडिकल दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। सो इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है हमारे पास साइज। सेकंड हमें पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड ये आपके एनसीईआरटी में है, बस यहीं तक। उसके अलावा मैं आपको हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये दोनों भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी वैसे कंपाउंड्स के लिए होती है, तो इसके बाद जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे पास लैटिस एनर्जी आएगा, तो वहां हम लोग लैटिस एनर्जी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी आयंस के लिए यहीं पे हम देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइज के साथ। इसको आप लिखते हैं पीरियोडिसिटी। इन प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। ओके, सबसे पहले साइज को बात करते हैं। ओके, सो एटम कैसा कंसीडर किया जाता है? क्यूब कंसीडर किया जाता है, सिलेंड्रिकल कंसीडर किया जाता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। वेरी गुड। सो एटम इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल। ओके, अगर स्फेरिकल कंसीडर किया गया है सो क्या साइज को हम रेडियस से शो कर सकते हैं? यस सर। यस सर, रेडियस इज यूज्ड टू शो साइज। सो आप यहां पे सिंपल बोल सकते हो कि अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस।
एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन टाइप और कंडीशंस ऑफ एटम. ओके, सो टाइप और कंडीशन का क्या मतलब है? एटम हमारे पास बॉन्डेड स्टेट में भी हो सकता है, अनबॉन्डेड स्टेट में भी हो सकता है. बॉन्डेड स्टेट में अगर है तो बॉन्डेड स्टेट में वो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है. तो वहां पर हमारे पास डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेडियस काउंट किया जाए. सो अगर कोई एटम हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, सो कोवेलेंट बॉन्ड में ये दो एटम्स हमारे पास हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दोनों के न्यूक्लियसेस हैं, दोनों के न्यूक्लियसेस के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया डी हमारे पास है, ये डिस्टेंस दोनों के न्यूक्लियसेस के बीच की डिस्टेंस. तो इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसे बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस. क्या बोला जाएगा? फर्स्ट टाइप है आपके पास कोवेलेंट रेडियस. सेकंड टाइप आपके पास होता है मेटलिक रेडियस. मेटलिक रेडियस के लिए मेटलिक बॉन्ड होना चाहिए एटम्स के बीच में. अब फर्स्ट केस में मैंने बताया है कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड अगर हमारे पास है तो इस तरीके से रेडियस मेजर किया जाता है. मेटलिक रेडियस अगर है तो मेटलिक बॉन्ड के केस में एटम्स एक दूसरे की सरफेस के साथ टच होते हैं. तो अगेन ए और ए ही हमने लिया, तो बीच का जो डिस्टेंस है वो डी. तो मेटलिक रेडियस अगेन हमारे पास डी बाई टू होगा. थर्ड हमारे पास होता है वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस के लिए एटम्स एक दूसरे से वीकली बॉन्डेड होता है, वीक अट्रैक्शन शो करते हैं. वीक अट्रैक्शन शो करने के लिए दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, इसलिए दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें ये डिस्टेंस मिल सकता है. अब ये देखो, ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास हो गया, ठीक है, ये ए और ए. बट दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ये हमारे पास अगेन ए और ए. अब अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम लोग, तब तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा यहां से, तो इस बॉन्ड के अलोंग, ठीक है. बट अब इस डायरेक्शन में मेजर ना करके इसे मेजर किया जाता है इस डायरेक्शन में, ये वाले न्यूक्लियस और ये वाले न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने बोला d. तो अगेन d बाई टू इज इक्वल टू वैन डर वाल रेडियस है. अब आप कहेंगे सर तीनों जगह फॉर्मूला तो आपने d बाई टू d बाई टू d बाई टू ही लिखा है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? अब आप खुद सोचें, मुझे ये बताएं कि तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है. सर मेटालिक, नो सर, वैन डर वाल. वंडरवॉल सबसे बड़ा होगा क्योंकि हमें पता है कि बीच में गैप आ रहा है. ओके, मेटलिक रेडियस उससे छोटा होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, टच है. और कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, क्यों? क्योंकि एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे. ओके, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास अलग अलग रेडियस. अब एटम किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, सो इस बात पर डिपेंड करेगा हमारे पास उसका साइज. डिपेंड करेगा नहीं करेगा? अब जैसे मान लीजिए एक ही एलिमेंट हमारे पास है, अगर वो वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल फॉर्म अगर उसका देखा जाए और सेम एटम का ही कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंडीशन देखा जाए, तो हमारे पास साइज हमें आसानी से पता चल जाएगा. बोल सकते हैं सर? यस सर. हाँ, तो एटम का कंडीशन क्या है ये बहुत जरूरी है
हमारे पास उसका साइज का ट्रेंड देखने की। ओके, तो ये तो हमारे पास बात हो गई टाइप्स ऑफ रेडियसेस की। ओके, तो ये हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ रेडिया या एटॉमिक रेडिया आप बोल सकते। ओके, सो अब बात करते हैं सेकंड थिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडिया। ओके, सो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर तो हमारे पास टाइप ही होगी, कोवेलेंट, वैन डर वाल और मेटलिक, होगा कि नहीं होगा? Yes, so. तो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास कोवेलेंट रेडी है, मेटलिक रेडी है और वैन डर वाल रेडी है शो कर रहा है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? वैन डर वाल रेडी है। वैन डर वाल बड़ी कौन सी होगी? कोवेलेंट रेडी है। An element can show all types of radii, then covalent सबसे छोटा और van der Waal सबसे बड़ा। अब other factors की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास जो first factor है वो है Z effective। Z effective क्या होता है? Effective nuclear charge। अब पहले तो इसका मतलब समझ लें कि effective nuclear charge क्या होता है। देखिए, कोई भी एटम अगर हमारे पास है, आदित्य जो चीज आपको समझ में नहीं आया आप फटाफट से बताइए। ओके बेटा? Yes, sir. हाँ, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज होगा वो आपके पास होगा जेड मल्टीप्लाइड बाय ई, बट पॉजिटिव में, राइट? Yes, sir. न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स हमारे पास वहां पर होते हैं, तो टोटल जो चार्ज हो गया वो हमारे पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर। ओके, अब आगे बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरीके से शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं। आदित्य, ये भी आपने 9-10 तक तो पढ़ा होगा ना, ये इस तरीके का बोर मॉडल का थोड़ा बहुत पार्ट, के एल एम एन, इस तरीके से पढ़ा था। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एट में भी था सर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। सो अब मुझे ये बताइए कि इस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की ओर से तो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, yes, sir. Right? हाँ। और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा? रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन, क्यों रिपल्शन लगाएंगे? क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन भी, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। तो इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन लगता है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फील अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस and repulsion by inner shell electrons
due to this repulsion, this inner shell electron repulsion attraction force of nucleus decreases on that electron, right? जिस पॉइंट से आप एग्री नहीं करते उसके लिए मना कर दीजिएगा. क्या यहां तक ठीक है? एग्री करते हैं इस पॉइंट से? यस सर. यस सर. ये जो अट्रैक्शन फोर्स हमारे पास न्यूक्लियस का कम हुआ, उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो कम हो गया, उसी के कोरस्पोंडिंग जो जेड होगा उसको क्या बोला जाएगा? जेड इफेक्टिव. ओके. सो अगर हमारे पास ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो उनकी जगह